साल 2023 खत्म होने से पहले ही दोस्तों खेसारी लाल यादव ने जो है पूरा सोशल मीडिया पर खास करके इंस्टाग्राम के रील्स पर एकदम धमाका मचा दिया है। लेकिन वही नहीं, आखिर कौन से उनके गाने हैं दो तीन जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर दिखाई दे रहे हैं और क्या वजह है इसके पीछे, और साथ ही साथ कौन से गाने हैं जो ट्रेंडिंग पर हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी भारत और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि नए साल वाले दिन जो है 1 तारीख है, न्यू ईयर वाले दिन खेसारी लाल जो है ऑलरेडी एक नया गाना लेकर आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी एक पोस्टर अपलोड होता है सोशल मीडिया पर उनके किसी पुराने गाने पे, और लोग उसी को वो नया गाना मान लेते हैं और बहुत ज़्यादा शेयर करना भी शुरू कर देते हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो भाई इस समय सोशल मीडिया पर जो है इंस्टाग्राम रील्स पर अगर बात करें भोजपुरी रील्स की, तो खास करके 3 ही गाने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाई देंगे। एक तो अभी जो गाना पिछले साल आया था पीके बियर बोला हैप्पी न्यू ईयर, वो जो गाना था खेसारी लाल यादव का, वो दोबारा से थोड़ा सा ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है। धमाका हो या आराम है, ये गाना ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ पवन सिंह का एक गाना है कलकतिया राजा जो कि ट्रेंडिंग पर दिखाई दे रहा है रील्स में। ये 3 गाने हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आग जिसने लगा कर रखी है सोशल मीडिया पर वो नाम खेसारी लाल यादव का है। और साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 2024 में खेसारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि इस साल थोड़े से कम एक्टिव दिखे हैं। लेकिन हो सकता है कि 2024 में उनके और भी बहुत सारे गाने आए जिसमें वो और ज़्यादा बवाल मचाए। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।